तो आज मैं यहाँ पर साइंस सेंटर पे उतर तो आपसे बाद में बात करूँगा, पहले ज़रा गन वन लूट लेते हैं। चलो छत पर कोई नहीं आया, सक्सेसफुली कोई छत पर आया नहीं। तो अब मैं नुसा खेल रहा था, नुसा में मेरे को चिकन डिनर मिला, मतलब एक ही मैच में मेरे को एक दो मैच में टिकट चिकन डिनर मिला, वो भी हाई केस के साथ। तो सोचा इसका गेम पे डाल देते हैं। यहाँ पर अभी मैंने एक बंदी को नॉक किया, अब मैं वेट करता हूँ इसका दूसरा टीम में आके इसको रिवाइव करेगा या फिर क्या करेगा। इस नहीं मैंने मार दिया, वाह। अब इसका कोई और कोई बंदा आता है कि नहीं, मैं इसका वेट करता हूँ। लेकिन बंदा तो नहीं, एक बॉट ज़रूर आ जाता है इसके बॉडी लूटने। तो चलो इसको भी हमने फिनिश कर दिया। अब पूरा का पूरा साइंस सेंटर खाली हो गया था, लेकिन एक नया बंदा वापस उतर गया और वापस लॉबी में चला गया। अब यहाँ पर आता है एक मेहमान, तो उसका स्वागत तो करना बनता है, हेडशॉट के साथ स्वागत। अब मेरे टीममेट को एक बंदे ने फिनिश कर दिया। सामने की तरफ कहीं पर तो बंदे थे, मैं सीधा ब्रिज के ऊपर चढ़ गया। ऐसे ही ब्रिज कैंपिंग करने के लिए मैं ब्रिज पे कभी ज़्यादा चढ़ता है, चढ़ना आता ही नहीं है मेरे को ब्रिज पे, एरेंगल वाले ब्रिज पे। तो सोचा इसी ब्रिज पे चढ़ जाते हैं। ये ऊपर बंदा बैठा था, अंदर घुस गया, लेकिन लाइट हाउस वाला पकड़ा गया। बेटा जा, भाग के जाओगे कहाँ कहाँ। अब मैं यहाँ से आगे जाता हूँ, एक बंदा मेरे पे नज़र गड़ाए बैठा था। अब इसको बताओ मारेगा कौन बे, इसको गोली पड़ी तब मेरे को मार रहा है गधा, या फिर शायद मेरे को स्पॉट कर रहा होगा, लेकिन स्पॉट हुआ नहीं। मैं नीचे जाता हूँ, MG3 उठाता हूँ, एक बॉट को मारता हूँ और आगे स्नाइपर को भी बजा देता हूँ। क्या हेडर चिपका है भाई। अब जिसको मैंने नॉक किया था उसने मेरे टीममेट को नॉक और फिनिश दोनों कर दिया। मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ, लेकिन भाई साहब जी नीचे थे, दोनों हेडशॉट खा के मरा है, ये दो हेडशॉट खा के मरा है। बॉडी वगैरह कुछ भी नहीं, आजकल ये चलता है भाई, बॉडी मेरे ज़्यादा लगते नहीं। अगर हेड पे एम तो हेड पे एम, बॉडी पे एम तो बॉडी पे एम। अब एक सांप यहाँ पर मुझे डसने की तैयारी लिख करके बैठा हुआ था, लेकिन उसको क्या पता उसका एम खराब और मेरे हाथ में MG3 बच्चे का कैसे बच्चू। ये बस कुछ मोमेंट्स है। अब मेरे दोनों टीममेट घर के इस बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं, ऊपर एक बंदा होता है, लेकिन दोनों के दोनों नॉक हो जाते हैं, एक नॉक दूसरा नॉक। ये मेरे सामने आया इसलिए ये फिनिश हो गया। अब यहाँ पर एक बंदा गाड़ी लेके भाग गया होता है, मैं उसको बुलाने के लिए बॉट फायर से एक बॉट को मार देता हूँ। आगे एक और बॉट होता है, उसको भी मैं ऐसे ही टैप 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 करके मारता हूँ, देखो। और वो सक्सेसफुली मेरे जाल में फंस गया, और इसका मजा देखो अब। अभी मैंने तो देख लिया, ये गाड़ी से उतर के भाग गया, टीममेट ने नहीं देखा इसलिए वो अपना ग्रेनेड उसकी गाड़ी के नीचे फेंक रहा है, वो गाड़ी में नहीं है भाई। और अभी आगे देखो, मुझे मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। नहीं तो इस मैच में मैं उतरता हूँ नोवो, और एक कैंपर से कैंपर मेरा स्वागत करता है। नहीं बस कैम भी करना है तुमको। अब यहाँ पर एक बंदा होता है, उसको हेड चिपकाया, नहीं हेड कहाँ से चिपकाया, बस ऐसे ही डाल दिया। अब मेरा टीममेट बॉडी लूटने गया, पेटी लूटने गया, वो नॉक हो गया। मैंने बोला कंटेनर के अंदर जा, जा भाई उधर बंदा बैठा है, कंटेनर के अंदर जा। उसको समझ में नहीं, दो नंबर गया बचाने, दो नंबर में नॉक। अब दो मैंने दोनों को मारा, कंटेनर के अंदर घुसो, और मैंने उसको नॉक फिनिश कर दिया। ये तो डायरेक्ट फिनिश हुआ। अब यहाँ पर एक सांप लेटा हुआ था, क्या भाई कितना लेटते हो भाई तुम लोग। अब ऊपर में ये इस मैच में मेरा दो बार 1v3 हुआ है, ये पहला 1v3 जिसमें मैंने एक को नॉक किया। अब दूसरे बंदे कौन से क्या फूक के बैठे थे मालूम नहीं, उसके पीछे हूँ मैं, ये कहाँ फायर कर रहा है, उसका टीममेट का भी ध्यान ये देखो कहाँ पे फायर कर रहे हो भैया। अब इनको लूटने के बाद मैं उधर दूसरी तरफ ड्रॉप की तरफ जाता हूँ, जहाँ पर और तीन बंदे थे। मैंने एक बंदे को गाड़ी से उड़ा दिया और दूसरे को गाड़ी में बैठ के मार दिया। अब तीसरा ड्रॉप के पीछे लेटा हुआ था और उसको भी मस्त हेडर चिपका, लेटने की सजा ले। दो दो हम हेडशॉट खाए इसने। अब की बार हमारा टीममेट क्या चाहता था मालूम नहीं, आई थिंक वो स्पॉन आइलैंड जाना चाहता था। मैंने भी सोचा चलो स्पॉन आइलैंड ही चलते, वैसे भी जाके करेंगे क्या। मैं बस अपने सवारी का इंतज़ार कर रहा था, मतलब सवारी को ढूंढ रहा था कहाँ पे मिलेगी सवारी। मैंने सोचा इस ट्रैम के ऊपर से चढ़ के जाऊँगा, लेकिन
बेचारा साइकिल, लेकिन साइकिल के लिए शुक्रिया मेरे भाई। तो मैं भैया इसकी पेटी उठता हूँ, मस्त लेवल 3 का बैकपैक मेरे को मिल गया। मैं अपनी साइकिल लेके सीधा निकल जाता हूँ, सॉरी एनिमी की साइकिल, उसको मार के मैंने छीन ली। अब मैं यहाँ पर स्पॉन लैंड आ जाता हूँ 2 नंबर के पीछे पीछे, लेकिन वो मेरे को छोड़ के भाग जाता है। ये रहा अपना स्पॉन लैंड, ये स्पॉन होने से पहले का नहीं, बात का गेम प्ले है वैसे, मतलब उतरने के बाद, झूठ तो नहीं है, ब्लू जोन दे वैसे देख सकते हो। मैं बस आता हूँ इधर, एमो का खजाना पड़ा होता है वो थोड़ा सा खजाना लूट लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को ज़्यादा कुछ मैंने ज़्यादा लूटा नहीं है, क्या ही लूटूंगा इतने ब्लू जोन में, मेरे पास कोई ये भी नहीं है, क्या बोलते हैं, पेट्रोल, बीच में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तैर के जाना पड़ा था मेरे को, सच्चे में बीच में पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं अपना तैर के जा रहा हूँ। जैसे तैसे ज़मीन पर पहुँच के साइकिल लेके भाग गया मैं, और वैसे 2 नंबर को मैं, हम लोगों ने बचा भी लिया था उस टाइम। तो मैं यहाँ पर जैसे तैसे इधर बस टाइम पास करके निकल लेता हूँ। अब सामने की तरफ एक स्क्वाड आई थी गाड़ी लेके, मैंने बस अंधाधुंध ऐसे ही बस नेड को हाथ में पकड़ा और फेंक दिया। उसका नतीजा देखो, मतलब उस बेचारे का भी क्या खराब लग होगा। मैंने इसे तय कर लिया भाई, कुछ भी हो जाए इसको फिनिश मारूंगा, जिसको नॉक किया उसको फिनिश मारूंगा। अब पूरी स्क्वाड थी, और यहाँ पर पता नहीं कौन से नशे हो गए थे भाई, अंदर स्कोप मेरे जा ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से दीवार में सारी गोलियां लग रही थी। मैंने ये जो नॉक बंदा था उसको फिनिश तो कर दिया, लेकिन इसका टीममेट आके मेरे को धो गया। बाकी के टीममेट तो उधर ड्रॉप के ऊपर ये कर रहे थे। अब यहाँ पर नोवो पे उतारना था, मेरे को लगा ये नोवो उतरेगा या फिर पोचिंग की, लेकिन भाई ये इतना घटिया टीममेट है ना, मेरे को समझ में नहीं आता लोगों को ये रैंक पुशिंग करने में मजा क्या आता है भाई। गेम में गन है, ग्रेनेड है, हेल्थ है, वो क्या झक मारने के लिए, टाइम पास के लिए। मैंने तय कर लिया कुछ भी हो जाए पूरी स्क्वाड को तो मैं ख़त्म करूँगा, चिकन डिनर तो हरगिज नहीं मिलने वाला है इनको, मैं इनको उड़ा के रहूँगा। अब यहाँ पर एक मज़ेदार बात होती है, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ 3 नंबर के पास उसको लेने के लिए, लेकिन गाड़ी से गिर के नॉक हो गया। अब मैं अच्छे टीममेट की तरह इसको रिवाइव बिल्कुल भी नहीं देता, यहाँ से मैं चले जाता हूँ। मेरे को लगा यार 1 नंबर वो नुबड़ा वो आएगा ही नहीं, लेकिन भाई साहब जी क्या बोलूँ, ये आ जाता है इसको बचाने के लिए। मेरे को लगा मैं इसके ऊपर मोली फेंकूँगा, मोली से दोनों के दोनों नॉक। इसको अभी भी देखो पॉट मारने की सूझ रही है, मैंने मोली फेंकी लेकिन मोली से जला नहीं, मैंने ग्रेनेड को हाथ में अच्छे से कुक किया, लेकिन यार जल्दी कुक होता नहीं है ये, उसके चक्कर में ये तो नहीं मरा, 3 नंबर ज़रूर मर गया। चलो एक को तो मार दिया ग्रेनेड से, इसको मारने गया लेकिन साला ग्रेनेड गलत जगह पे, और ये सामने मैसेज आ रहा था उसके चक्कर में फेंक ना पाया। मैंने सीधा गाड़ी उठाई और यार से भाग गया। अब उसकी शॉटगन में ज़्यादा वो रही थी, रिलोडिंग से आ गई उसकी शॉटगन। अब देखो M4 चला रहा है, M4 या स्कारल जो भी है चला रहा है। मैं अपना यहाँ से निकल लेता हूँ, यहाँ पर एक बंदे के साथ टीम अप भी करता हूँ, मतलब मेरे को बस ग्रेनेड से एनिमीज को, मतलब अपने टीममेट को उड़ाना था। मैंने उसको जंपिंग जपाक करके उसको बोला कि भाई नहीं भाई मेरे को लड़ना नहीं है, मेरे को लड़ना नहीं है, बस मेरे को यहाँ पर ग्रेनेड खरीदने आया हूँ, मेरे को ग्रेनेड लेने दो और मैं ऐसे चला जाऊँगा। वैसे भी मेरे को जीतने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर अंदर शॉप में, मैं इसे यहाँ पर ऐसे शॉप में ग्रेनेड खरीदने के लिए आया था। मेरा तो तय था भाई प्लान टीममेट को ग्रेनेड से उड़ाने का, क्योंकि भाई तुमको रैंक पुशिंग करने की ज़रूरत क्या है भाई, लड़ो यार, गेम खेलने के लिए है भाई ये, मतलब बस एक जगह इधर उधर छुप के बैठ जाते हैं, करना कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर मस्त से ग्रेनेड वगैरह उठा लेता हूँ, उसको एक फोकट का बॉट केल भी दे देता हूँ। अब मेरे को मारा नहीं, मैंने उसको थोड़ी सी एमओ भी उधर फेंक दी, और उधर बॉट केल था वो भी दे दिया, और मैं निकल जाता हूँ और भी ग्रेनेड्स ढूंढने के लिए। मुझे पूरा ग्रेनेड का ये चाहिए था भैया, गोडाउन चाहिए था, गोडाउन भर के पूरा बैग मेरे को ग्रेनेड से भर के उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकने थे। अभी तरफ एक बॉट आता है तो वो भाई उसको एक किल दे देते, मैं क्यों किल दूँ। मैंने बोला भाई उधर पेड़ के पास बॉट है उसको मार ले, क्योंकि ये तो कम से कम लड़ने तो अकेला ही सही, लड़ने तो घूम रहा है या फिर रैंक पुशिंग करने घूम रहा है, शायद रैंक पुशिंग ही करने घूम रहा है, लेकिन अकेला ही है। टीम को उतारा तो नहीं गलत जगह पे। अब यहाँ पर ये एक बंदा नॉक, दूसरा तो मैं 3 नंबर तो पहले ही नॉक था, दूसरा भी नॉक। चलो मेरा तो काम हो गया। अब मेरे को वैसे भी गेम में ज़्यादा कुछ मज़ा है नहीं यार, मेरे को वैसे अकेले इतना खेलने में मज़ा नहीं था, स्क्वाड अगर साथ में आए लड़े तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कसम से यार,
स्क्वाड में अगर सब लोग लड़ने आए, अभी आप से एक बंदा बैठा था उसको नॉक किया, दूसरा टीममेट भी गया रैंक, ये बंदे मतलब डरते हैं रेस करने के लिए। अभी यहाँ पर मैंने भाई एक HP बचा हूँ, मैं एक HP बचा हूँ। इस वीडियो में मैंने वैसे इस क्लिप में मैंने दो चीज़ें सीखी हैं, पहली कभी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, और दूसरी आगे खुद ही देख लो। यहाँ पर मेरे पीछे बंदे लग गए, मैं यहाँ से सीधा घर के ऊपर चढ़ गया और हील, क्योंकि मेरे पास हीलिंग भी नहीं थी और वो एक या फिर दो दो थे। अभी पहला बंदा आता है उसको मैं नॉक कर देता हूँ, अब उसका दूसरा बंदा है उसको एक में से नॉक किया मैंने, मेरे को पहले ही पता चल गया था कि दो दो बंदे थे। लेकिन भाई इसकी पेटी में मेरे को क्या मिलता है, इसकी पेटी में मिलती है मेरे को प्लेयर गन। लेकिन क्या करें, पूरे पोचिंग गेम में बंदे भरे पड़े हैं मेरे टीममेट स्कूल पे, मैंने उधर फ्लेयर चलाई और मेरा टीममेट देखो फ्लेयर के लालच में इधर आ रहा है। भाई मेरे मुंह में पानी आ गया, उससे पहले एनिमी से पहले मैं ही भाग गया भाई उधर ड्रॉप लूटने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था, मैंने जाल तो बुना था एनिमीज के लिए, लेकिन मैं इधर एयर ड्रॉप के पास आ जाता हूँ ये सोच के कि भाई कोई नहीं है, आराम से मस्त लूटेंगे, आम पड़ी है, आग पड़ी है, मैं तो खुश हो गया भाई, मस्त मेरे को अच्छी खासी लूट मिल गई, मैं अपना मस्त इधर स्पेस बना रहा हूँ। लेकिन मेरे पे सीधा हमला हो गया, मैंने जाल बुना था एनिमीज के लिए, खुद फंस गया। अब यहाँ पर मैंने उतर के सबसे पहले इसको मारा क्योंकि इसके पास गन मिलती, इसलिए मैंने इसको नॉक किया और हम दोनों के आपस में पिस्टल फाइट, वो मेरे को एक गोली नहीं चिपका पाया लेकिन मैंने उसको चिपका दी। अब इसका एक तीसरा टीममेट नीचे नीचे बैठा था, वो नीचे से आता है मेरे पे रश करने, देखो मैं अपना इसका लूट इसको लूटने आया लेकिन मेरे पे रश करता है, बच गया भाई मैं M249 लेके, मेरा कुछ नहीं उखड़ पाया। अब यहाँ पर मेरे को लगा था बस इतने ही बंदे हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, और कोई नहीं है, लेकिन सामने की वाली बिल्डिंग में बंदा था, मैंने मारा लेकिन मरा नहीं वो बंदा, मैं यहाँ पर वेट करता हूँ उसके बाहर आने का और बाहर आते ही नॉक कर देता हूँ। अब मैं इसकी पेटी लूटने आया, नहीं क्या है भाई कितना कैम। अब यहाँ पर मजा देखो, मेरे को टीममेट ने गन दी नहीं, सारे के सारे गने यही लेके बैठे हैं, मैंने बोला उधर बंदा है लेकिन हमारे टीममेट को कोई सुध-बुध नहीं है, सारी गन पहले तो खुद लूट गए, सारी हेल्थ खुद लूट गए और भाई जाके मर रहे हैं। देखो ये एक नंबर को पता नहीं इसके पास हेल्थ वेल्थ कुछ नहीं है, बाहर घूम रहा है ये नॉक, ये तीन नंबर पहले नॉक हुआ, मैंने उसको रिवाइव करने के लिए आया भाई, इसमें इतना तो बुद्धि होनी चाहिए, चलो टीममेट को एक गन दे ही देता हूँ शायद कुछ उखाड़ ले भाई। लेकिन ये दूसरा भी नॉक, अब मैंने सोचा चलो मर ही जाते, इससे अच्छा मर ही जाते, ये भी मारने आए हैं, लो भाई मार ले भाई, ले अपनी केड़ी बढ़ा ले। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी भूलिए। मैं मिलूंगा ऐसे किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।